हो, सही समय पर हो और पूर्ण रूप से हो। कई बार अधूरी विधि करने पर भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अगर आप चाहते हैं आपका कार्य सिद्ध हो तो आपको विधि को पूरा ही करना होगा। जो विधि मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपके जीवन को खुशहाल बना सकती है, आपकी जिंदगी से परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तो आइए बताते हूँ कि वो क्या विधि है और क्या उसके लिए सामग्री आपको चाहिए होगी, जिसे अपना कर आप अपने जीवन की कठिनाइयों को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। तो आपको इसके लिए चाहिए 77 राइस। अब आपको मैं बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। आपको इन 77 चावल के दानों को हाथ में लेना है और एक मंत्र का उच्चारण करना है। लेकिन उससे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये विधि करने से पहले साफ तरीके से नहा धोकर एक वस्त्र पहनना है। महिला है या पुरुष है, एक ही वस्त्र पहनना है। कुछ भी वस्त्र पहनिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पहनना चाहते हैं। तो एक वस्त्र पहनिए, एक साफ जगह पर बैठिए जहां आपको कोई भी देख ना पाए। उसके बाद ये चावल के दाने आपको लेने हैं और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। जी हाँ, उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं और 51 बार आपको मंत्र का जाप करना है। आपको चावल के जो दाने हैं जहाँ आप बैठे हैं उस आसन पर बिछा लेने हैं, उसके ऊपर बैठ जाना है और बैठकर फिर 51 बार आपने मंत्र का जाप करना है। उसके बाद जब आप मंत्र का जाप कर लेंगे तो ये सभी चावल के दाने, 77 चावल के दाने एकत्रित कीजिए और एकत्रित करने के बाद इस चावल के दाने को आपको उस व्यक्ति को खिलाना है जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं, जिससे आप कोई कार्य करवाना चाहते हैं, जिसके जरिए आप अपनी परेशानियों को हल करना चाहते हैं। आप किसी भी तरीके से उसे खिला सकते हैं। चावल के दाने खीर बनाकर खिलाइए या जिस भी तरीके से वो खाना चाहें वो आप उन्हें खिला सकते हैं। आपको बस ये चावल के दाने उनको खिलाने हैं। जैसे ही आप ये उन्हें खिला देंगे आपका कार्य पूर्ण तरह से पूरा हो जाएगा और आप जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, आपकी परेशानियों का हल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप ये क्या कार्य कर रहे हैं, अन्यथा ये कार्य सफल नहीं होगा। इस बात का ध्यान आपने पूर्ण रूप से रखना है और इसमें जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, ये मंत्र आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फोन कर कर गुरुजी से प्राप्त करना है। गुरुजी आपको बताएंगे आपकी राशि और ग्रह के हिसाब का मंत्र। अगर उस मंत्र का आप सही तरीके से उच्चारण करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। ये कार्य बहुत ही